मधुमक्खी पालन से शहद तो मिलता ही है, इसके अलावा मधुमक्खी के विष का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, मोम मिलता है, पोलन मिलता है, और इसके अलावा भी अन्य अति से मौल्यवान वस्तुएं जो रॉयल जेली मिलती है और बी वेनम मिलता है। तो जो मौन पालन करता है उसको सिर्फ यही ध्यान में नहीं रखना है कि हनी शहद मिलेगा या नहीं मिलेगा और उसका व्यवसाय के तौर पर कैसा चलेगा, फिर भी ये जो अन्य उत्पादनों की तकनीक है, अगर प्रशिक्षण से अगर तकनीक का उपयोग करने से अगर वो बी वेनम कलेक्ट करेगा तो उसको अतिरिक्त आमदनी भी होती है। बी वेनम के जो हमारे उपयोग है पहले से भी, हमारे पुराने ज़माने से कुछ जोड़ों के उपचार के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। दुनिया के बाज़ार में आज मधुमक्खी से जो वेनम निकलता है, मधुमक्खी से जो जहर निकलता है, उसके इंजेक्शन मिलते हैं और उसकी कीमत करीबन 3,000 रुपये एक ग्राम की कीमत होती है। इस प्रकार शहद से भी कई गुना, मोम से भी कई गुना और पोलन से भी कई गुना अधिक कीमत हमें इसकी मिल सकती है। एक कॉलोनी से अगर हम जहर निकालने को जाएंगे तो 60 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक उसकी हमें उत्पन्नता मिल सकती है। मगर यह सब अगर बराबर प्रशिक्षण अगर ठीक हुआ है, उसकी जानकारी अच्छी हुई है, तो हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न लेकर किसान भाइयों को शहद के साथ, मोम के साथ एक मधुमक्खी के जहर का भी उत्पन्न लेकर उसका मार्केट कर सकते हैं। साथ ही छत्ते से निकलने वाला मोम विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों के काम आता है। इसके अलावा श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा एक प्रकार की जेली निकलती है जिसका उपयोग शिशु एवं रानी मक्खी के पोषण में किया जाता है। इस रॉयल जेली को जेली संग्रह यंत्र द्वारा इकट्ठा करके अच्छे दामों में बेचा जा सकता है।